जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक मामला चर्चा में आया है, आप सबने सुना होगा, आगरा का मामला है, जहां एक डीएम साहब को बीडीओ साहब ने जूता मारा है। एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बीडीओ साहब ने डीएम को जूता क्यों मारा, इस चीज को कोई नहीं दिखा रहा। सबसे पहले डीएम साहब ने एक पेपर पेट उठाकर बीडीओ साहब को मारा और इस प्रतिक्रिया के गुस्से में आकर बीडीओ ने जूता फेंक के मारा। लेकिन अब इस पर कानूनी बवाल, क्योंकि सीनियर इज सीनियर, जूनियर इज नथिंग, ये हमेशा से ही हिंदुस्तान का रूल, चाहे सिविल प्रशासन में ले लो, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, या खासकर सेना, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स, सब जगह एक सा ही नियम कानून है। यानी अगर सीनियर अधिकारी पर किसी ने हाथ उठा दिया तो उसके लिए सीधा कानून है अवज्ञा, इनसबॉर्डिनेशन। यानी ये नहीं देखते कि सीनियर ने शुरुआत की है, मारा है, खासकर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स में, क्यों, वो तो अंदरूनी बातें होती हैं, वहां तो जवानों को दबा दबू के गवाह भी पढ़ दिए जाते हैं और सीनियर जो कहेगा वही मानी जाएगी कि भाई सीनियर ने कुछ नहीं किया और जूनियर का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है या उसको डिमोशन कर दिया जाता है। अब ये मामला क्या सिविल में आ गया? हालांकि ये सारे के सारे नियम कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी होते थे और ये जो डीएम साहब है, कलेक्टर, उस समय ब्रिटिश का ही पद होता था और उसी तरह सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, सभी जगह जो अफसर थे उन्हीं के थे और इनको इस तरह की पावर दी गई थी कि तुम अगर किसी को थप्पड़ मारो, तुम गाली गलौज करो तो तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं लागू है। लेकिन अगर कोई जूनियर या कोई सिविलियन इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा दे, गाली गलौज कर दे, थप्पड़ मार दे, तो सिविल में तो दुनिया भर की आईपीसी ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिसको क्रिमिनल एक्ट के तहत लेकर जेल भी भेज दिया जाएगा, या ऐसी ऐसी आईपीसी हैं कि विभाग के तौर पर कार्रवाई करके उसको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो अब इस मामले में कलेक्टर साहब का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बीडीओ साहब को कार्यमुक्त कर दूसरी जगह भेज दिया गया, मतलब जो कार्य वो बीडीओ का कर रहे थे वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन अगर आज हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हो रही कि जो डीएम साहब है, आपको पता है डीएम का पद हिंदुस्तान में आईएएस सबसे बड़ा आधिकारिक सेवा में डीएम का पद होता है, आईएएस आता है, फिर आईपीएस आता है। इतने बड़े पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति और जो इतनी गरिमा की ड्यूटी कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्या अगर कोई बीडीओ से वो उन्होंने सवाल किया और उस सवाल पर वो कैसे भी जवाब दे रहे थे या क्या हो रहा था, तो क्या डीएम साहब को आज के हिंदुस्तान में ये पावर होनी चाहिए कि पेपर वेट उठाकर उनको मारे? हो सकता है वो उनके सिर में लगे और कहीं लगे, बोलते नहीं मरता तो गोली से भी नहीं मरे और मर जाए तो कंकर से मर जाए, अगर वो मर भी जाते तो इन कलेक्टर महोदय का कुछ नहीं होता, क्योंकि एक हिंदुस्तान का कानून है। कलेक्टर साहब की तरफ से उनके नीचे अधिकारी दूसरे जो हैं उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करी गई है और उनकी एफआईआर दर्ज भी हो गई, लेकिन बीडीओ साहब की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। यह है हिंदुस्तान का नियम और इसी नियम के लिए हम भी सेना के, खासकर जो सेना में सहायक सिस्टम है या इस तरह की घटनाएं सेना में भी होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, जैसे एक मेजर ने एक जवान को मारा,
जवान को थप्पड़ भी मारा, डंडा भी मारा उसको, यहां तक कि उसका सहायक था तो कच्चा चड्डी उतार कर देता था कि धो तू। जब नहीं धोआ, ऊपर सीनियर अधिकारी को उसने रिपोर्ट की तो सहायक से हटा दिया। लेकिन जब सीओ छुट्टी गया और उसकी खुद की कमांड आई, क्योंकि सीओ की कमांड है, उसके बाद सीओ छुट्टी गया तो ओसी की कमांड होगी, ऑफिसर इन कमांड। अब वो खुद ही कमांड हो गया तो उसको रनर लगा लिया और कभी सिगरेट मंगाए, कभी गाड़ी के लो उसके उतना इतना उसको इतना किया और तंग किया और उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा, उसकी वर्दी फाड़ी, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जवान ने जब उसका हाथ पकड़ लिया तो वहीं डिपार्टमेंट में बैठे एक कलर्क और एक जेसीओ साहब को गवाह बनाकर उसी को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि मैंने वो वीडियो डाला, वो चीजें चर्चा में आई और कहीं ना कहीं अब उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अगर ये नियमों के तहत ही होगी, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो या सिविल में, अगर आप नियमों को, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का कानून, जो जज महोदय बैठे हैं या जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, वो तो हमारे कानून की किताब उठाते हैं और उस कानून की किताब को अंग्रेजों ने लिखा है और सारे के सारे पावर इनको दिए हुए हैं, तो उसके तहत तो हिंदुस्तान में व्यक्ति को न्याय मिलेगी नहीं। तो न्याय कहाँ मिलती है? जब वो पब्लिक में, जैसे ये पब्लिक में वीडियो वायरल हो रहा है, ये डीएम साहब भानुचंद्र गोस्वामी जी, अब इनका पूरा वीडियो वायरल है, और उधर अनिरुद्ध सिंह चौहान वीडियो साहब, हालांकि इस घटना के बाद में मीडिया ने, मतलब मीडिया तो एक ऐसी है, उनको सिर्फ चारों तरफ आज आप देखोगे एक ही चीज आ रही है, डीएम साहब को जूता मार दिया, डीएम साहब को जूता मार दिया वीडियो साहब ने, फिर लिख दिया वीडियो फरार, अभी खबर आ गई कि उनको कार्यमुक्त कर दिया। अरे भाई, उसी ऑफिस में एक आदमी उसको पेपर मेट मार रहा है, ये डीएम महोदय हैं, सबसे बड़े अधिकारी पद इन्होंने पढ़ लिख कर बहुत मेहनत कर कर पाया है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी तो वीडियो बने हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, बहुत मेहनत करके वो भी बने हैं। अनिरुद्ध सिंह चौहान है, आपको पता है, और हो सकता है क्या पारिवारिक स्थितियां हो या नहीं, वो भी थोड़ा अच्छे पढ़ लेते या और ज्यादा होता तो हो सकता है वो भी डीएम होते, लेकिन अगर वो उनसे कम पढ़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इनका पेपर वेट, उनकी गाली गलौज खाएं लेकिन उनके आगे बोले नहीं। भाई, हमारी आज की सरकार मोदी जी जगह अंग्रेजों के नामकरण को, जगह को चेंज कर रही है, एक बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, गरीब से अमीर को हर एक आदमी को न्याय मिले, न्याय तब मिलेगा जब आप इन चीजों को, जो आपकी पुरानी आईपीसी या धाराएं हैं उनको चेंज करें, आर्मी ऑर्डर को चेंज करें, जिसमें अननेसेसरी ऐसे ऐसे अधिकार दिए हुए हैं कि वो मार पीट रहा है, गाड़ी क्लोज कर रहा है। अभी मेरे पास एक मामला आया था महाराष्ट्र का, जवान ने मेरे पास खाला की फोटो ही भेजी है, उसमें दिखा रखा है कि सर हमारे सीओ ने डंडे मारे, जवान की पीठ पे डंडे मारे, उसके डंडों के निशान है। मैंने कहा कि भैया इससे तो काम चलेगा नहीं, आया तो जवान का वीडियो या कोई और बोले, बोले सर अब तक 5 जवानों को मार चुका है, पीठ में डंडे तोड़ चुका है, और वो कहता कि मेरी पावर है, और पावर इसलिए है कि वो दिया हुआ है, भाई रूल ही बनाया हुआ है कि सीनियर अधिकारी के खिलाफ अगर वो गाली गलौज कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर आपने गाली गलौज कर दी, आपने हाथ उठा दिया तो आप पर वही अवज्ञा, सब ऑर्डिनरी रूल लागू होगा, उसके तहत आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको जेल भी भेज सकते हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मैं माननीय मोदी साहब से यही गुजारिश करूंगा, हालांकि ये मामला तो यूपी का है, योगी जी जाने, लेकिन योगी जी क्या करेंगे, बोलेंगे भाई कानूनी प्रावधान है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाओ, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप सभी को पता है कि अगर डीएम इन्वॉल्व है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तो डीएम से बड़ा अधिकारी तो वो आईएएस अधिकारी ही बैठेगा, और ये एक फैक्ट है कि अधिकारी अधिकारी का सपोर्ट करेगा। हालांकि वीडियो साहब भी अधिकारी है, ये खंड विकास अधिकारी हैं और वो जिले के मालिक हैं इनसे छोटे। अब इंक्वायरी करने के लिए वीडियो के स्तर के तो अधिकारी होंगे नहीं, सब आईएएस होंगे, जिला अधिकारी होंगे दूसरे, तो कहीं ना कहीं पक्ष लेंगे उनका। अब ये सिर्फ पब्लिक के हाथ में है कि पब्लिक ये सवाल करे कि क्या पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर बैठे हुए आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने से जूनियर को गाली गलौज कर सके, पेपर वेट उठाकर मार सके,
या कुछ भी करे, और अगर वो बदले में एक जूता मार दिया तो वो बहुत बड़ा अपराधी हो गया, और वो पेपर वेट मारने वाला वो डीएम साहब वो क्लीन एंड नीट एंड चीट है, क्योंकि ये अधिकार अंग्रेजों ने दिए हैं। तो माननीय मोदी जी से इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि आपने दुनिया भर के जिलों के राजधानियों के पता नहीं क्या क्या नाम चेंज कर दिए, अंग्रेजी प्रथाएं चेंज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ग्राउंड में खासकर मैं तो हमारी सेना के लिए चिल्ला चिल्लाकर पिछले 5 सालों से ये कह कह कर मर गया कि आप जो सेना की चीजें चेंज कर रहे हैं ना, दिखावा मत करें। अभी भी हमारे जनरल साहब ने जो 20 आदेशों की कॉपी निकाली हमने डाल दिया, लेकिन अभी कल परसों एक रेजिमेंट के सीओ साहब का वाक्य है, उस जवान ने मेरे को बताया कि सर हमारे सीओ का मतलब इन चीजों के लिए पूछा, मतलब किसी ने कलरक साहब को हेड कलरक से की कि हमारी यूनिट में तो लेटर आया नहीं, उसने सीओ को बता दिया, सीओ ने इकट्ठा करके गाली गलौज दी कि तुम्हारे को किसने कह दिया भैंचू, ये ऐसा कोई आदेश ही नहीं है, ये तो झूठी अफवाह है। दिल्ली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेटर सर्कुलेट करते हैं, 10 कोर JOC और 81 सब एरिया ब्रिगेड तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली के अंदर यूनिट है उनके सीओ कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। कारण क्या है? तानाशाही, नाम चेंज होंगे, बटमैन सहायक अर्दली, अब उसको बड्डी कर दिया गया, एडमैन शो कर दिया जाएगा, लेकिन काम वही, जूता पोलिश, कुत्ते घुमाना, बच्चों को खिलाना। अब तो खुद इन्होंने कह दिया है कि हाँ वो ट्रे घुमाना, ये बाहर दुनिया को कहते हैं कि हम पता नहीं कितना बजट कर रहे हैं, सरकार कहती है कि सेना पर कितना बजट जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे सिपाही घास काट रहे हैं लोहे की बनी तलवार से, नालियां साफ कर रहे हैं, चूना गेरू कर रहे हैं। रविंद्र फौजी की ये लड़ाई है, रविंद्र फौजी भी किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, खासकर हमारे संविधान में जो बोलते तो हैं कि हमारे अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, संविधान बहुत से फायदे हो गए, लेकिन वो कॉपी कर दी अंग्रेजों के कानून की, और आज भी ज्यादातर नेताओं को अधिकारियों को इनको बचाने के लिए ऐसे ऐसे कानून हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है जब पब्लिक जागरूक होगी, पब्लिक इन चीजों को वायरल करेगी, खुले में ये चीजें जाएंगी, तो कार्रवाई सब पर होगी, डीएम पर भी होगी। यहां अगर और कोई छोटा सा अधिकारी होता तब तक हो सकता है उसके साथ मारपीट होकर उसको और कुछ कर दिया होता, जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो डीएम और पीडीओ का मामला था, और भी वहां अधिकारीगण थे, उसका कैमरा भी सब कुछ, वीडियोग्राफी भी है, इसलिए अभी इंक्वायरी चलेगी और उनको जेल नहीं हो पाएगी। हाँ, कार्यमुक्त तो कर दिया क्योंकि सिर्फ मीडिया में जूता ही जूता चल रहा है। यही मामला अगर आर्मी एयरफोर्स नेवी पैरामिलिट्री फोर्स का पुलिस फोर्स का होता बाहर ही नहीं आता, उल्टा अगर कोई जवान या जेसीओ लेवल का या कोई और होता तो उसको और 4 बंदे लगाकर उसको पिटवा देते हैं, उसको पिटवा देते हैं, उसके साथ गाली गलौज भी होता, उसकी मां बहन एक हो जाती अगर ऐसा वहां हो जाता, अगर किसी सीनियर का हाथ भी पकड़ लिया होता, जूता मारना तो बहुत दूर की बात है। तो ये अवज्ञा का जो रूल बनाया हुआ है, ये जो पावर दी हुई है अंग्रेजों के तहत, इस पावर पर पुनर्विचार करें, और अगर समान अधिकार है तो चाहे गाली गलौज करने वाला सीनियर अधिकारी हो, चाहे वो जूनियर अधिकारी हो या आम पब्लिक पर कर रहा हो, उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो आम नागरिक के लिए लागू है। मोदी जी, सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय तभी मिल सकता है जब हमारे संविधान के अंदर कुरूतियां हैं जिनको चेंज किया जाए। मेरे जवान भाइयों से यही कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके पास कोई भी नहीं एक ही तरीका है चैनल को, मैं कई दिनों से आपसे कह रहा हूं, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना है, सपोर्ट नहीं करना है, आप सपोर्ट करो तो ठीक, ना करो तो ठीक है, चैनल से जोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर चाहो तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम धीरे धीरे 1,00,000 से 7,52,000 हैं, 10-10 जोड़ोगे तो 70 लाख होंगे, 100-100 जोड़ोगे तो 7 करोड़ होंगे, और जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये तानाशाही पब्लिक के सामने आती जाएंगी, उजागर होंगी तो कुछ चेंज होगा, नहीं तो रविंद्र फौजी भी कोई तोप नहीं है। इसी तरह आप लोग पिटोगे, गाली गलौज खाते रहोगे, इसी तरह बहुत से भाइयों का कोर्ट मार्शल हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, बहुत से साथी
इस सहायक प्रथा ने नील लिया है, नौकरी छोड़कर भागने की 15 साल बाद ये आदमी को लगी रहती है, सब कुछ सैलरी और सब कुछ होने के बावजूद भी समय से छुट्टियां नहीं है, प्रमोशन चमचों को है, ग्राउंड में काम करने वाले घर आ रहे हैं। तो इन सब के लिए यही तरीका है कि जुड़ो हमसे। जब हम कहते हैं कभी कभी चैनल के लिए आर्थिक सहयोग के लिए, तो तुम जिसको करना है, हम हर वीडियो में इसलिए देते हैं कि जिसको इच्छा है करना है करो, नहीं तो वीडियो देखकर शेयर करो। ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13 8290-35-45-13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो इस पर भेजो, और आपकी इच्छा अनुसार डोनेशन महीने में 6 महीने में जब आपका दिल करे करो, ताकि हम इन चीज़ों के लिए लड़ सकें। नहीं तो आपकी मर्जी है। उसके अलावा ये मेरा बारकोड है, आप इस बारकोड के माध्यम से भी चैनल को और हमारे को सपोर्ट कर सकते हो। फोन पे बारकोड भी नहीं है तो ये मेरा नंबर है 612-642-33-600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी हमारा सपोर्ट कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हर आदमी ठीक है पैसे से नहीं कर सकता, वीडियो शेयर कर सकता है, अपने दोस्तों को साथियों को जोड़ सकता है। पानी में रहकर मगर मत से बैर मत करो, लेकिन रिटायर्ड होकर बोलो। नहीं तो फिर कह रहा हूँ कि हमारी पीढ़ियाँ झेल रही थी पहले, हम भी झेल के आगे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी झेलती रहेंगी, और ये कर्नल जनरल DM IAS IPS ये राजशाही करेंगे, क्योंकि इनको पावर मिलने के बाद ये IAS की और इनकी जो नौकरी होती है ना IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये किस लिए है? जनता की सेवा के लिए। लेकिन उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा पद होता था, सबसे ज्यादा पावर दी हुई थी, आज भी वही है। सरकार, क्योंकि सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, सबको पता है कि यही कमा कर देते हैं, अपना भी तिजोरी भर रहे हैं, उनकी भी भर रहे हैं। तो इन सबको सुधारने के लिए पब्लिक पहल करेगी तो सुधरेगी, नहीं तो इस तरह लुटते पिटते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।